सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो ग्रीन स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। जैसे कि आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, उसको मैंने चुटकियों में चेंज कर लिया, तो आपको कैसे चेंज करना है उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना शुरू से लेकर एंड तक। बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना। फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो लाइटिंग है, एक लाइट है मेरी इस साइड, एक है इस साइड, एंड एक यहाँ से भी लाइट आ रही है जो कि मेरे जो शेडो है इसको क्रॉस कर रही है। एक लाइट यहाँ से भी है, मतलब फोर लाइट जल रही हैं। ग्रीन स्क्रीन है जी, पूरे में लगा देनी एंड इससे थोड़ा सा आगे को खड़ा होना है, जितने आगे आप हो सके। इसके बाद होती है एडिटिंग। एडिटिंग भी आपको बढ़िया करनी है। एडिटिंग के लिए आपको कैनमास्टर का एप्लीकेशन का यूज करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अभी इसमें कैनमास्टर के बता रहा हूँ कैसे करना। तो गाइस, अभी आपने जो मेरी वीडियो देखी शुरू से लेकर एंड तक, उसमें मैंने कुछ इस प्रकार से ही एडिट किए हैं। आप कुछ क्लिप एंड यहाँ पर मल्टीपल स्प्लिट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने एडिट की है। और इस प्रकार की एडिटिंग ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि मतलब कैसे आपको क्रोमा की इनेबल करना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि यहाँ से पहले बैक आ जाते हैं, सबसे पहले एंड बैक आने पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड 16:9 का रेशियो ले लेना है। एंड इसके पास आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद अब अपन के पास ऑप्शन आ रहे होंगे कुछ इमेज के एंड वीडियोज़ के। तो आपको यदि इमेज चाहिए तो इमेज पर क्लिक एंड वीडियो चाहिए वीडियो पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास कुछ फ़ोटो वगैरह हो तो उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो फ़ोटो हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया पिक्चर्स पर एंड यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ ले ली जो कि आपने अभी बैकग्राउंड में देखी होंगी। मैंने कुछ इन्हीं का इस्तेमाल किया था, तो इन सबको यहाँ से मैं ले लेता हूँ। और गाइज, इन सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पे मैं इसको अपलोड करके दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी। एंड इस पर क्लिक करते जाना तो जो आपकी जो लेयर पर आपकी सेट हो जाएंगी जी, ये लेयर पर लग गई हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि जे कुछ 16:9 का रेशियो है, बट जे थोड़ी छोटी है, जे वाला 16:9 का रेशियो है, बट जे वाली जो दोनों वीडियो हैं ये थोड़ी छोटी लग रही हैं, है ना। कुछ इस साइड से थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा छोटी है, तो अपन को क्या कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है अपन को इस टैब पर। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेंट टू जूम, जे वाला साइड में, तो बस इस पर क्लिक करके इक्वल का ऑप्शन आ रहा होगा, इक्वल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसको दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार से जूम कर देना है, जितना आपको आपके आपके हिसाब से इसको जूम कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी वीडियो है उसको भी, एक फ़ोटो का बैकग्राउंड आपने अभी मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा, तो जे वाली, तो मैंने इसको भी ऐसे ही जूम करके एंड इसको इस प्रकार से इंक्रीज किया था। तो आप भी इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, इसको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब गाइस, आपको लेयर अपनी जो ग्रीन स्किन की वीडियो थी उस पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने जहाँ पर भी अपनी वीडियो बनाई होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी कैमरा के फोल्डर में। तो अपन को इसमें कैमरा के फोल्डर पे क्लिक करना है, जे आ रहा होगा कैमरा का साइन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी वीडियो शो हो जाएगी, जितनी भी वीडियो फ़ोटो हैं। तो आपने अपनी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड आपकी जो वीडियो है वो इस लेयर के ऊपर चढ़ जाएगी, देखो कुछ इस प्रकार से। तो आपको वीडियो जहाँ से आपको लगानी है वहीं से इस वीडियो को लगाना है, बाकी इसका पार्ट को हटा देना है। तो ऑल राइट गाइस, अब आपकी जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर आ गई, इन पर लेयर है जो उस पर डबल टैप करना है, तो जो आपकी वीडियो है वो उसी साइज़ में हो जाएगी जिस साइज़ में 16:9 का रेशियो आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है क्रोम, तो इसको आपको इनेबल कर देना है यहाँ पर क्लिक करके, तो वैसे भी हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए इस टैब पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रोमा की के नाम से, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे तो कुछ इस प्रकार से जो बैकग्राउंड हटा देता है, बट यह पूरा नहीं हटाता है, अपन को एडजस्ट करना होता है तब बैकग्राउंड को पूरा हटाया जाता है, ये अपने आप से नहीं हटा रहे। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे होंगे नीचे के साइड में, डिटेल्स कर्व में जाना है
एंड इसमें जो आपका ग्राफ है इसको कुछ इस प्रकार से नीचे कर देना है पूरा एंड में, ठीक है। इसमें जाना है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक जे ऊपर वाला, एक जे नीचे वाला, इंक्रीज एंड जे वाला, दोनों इंक्रीज है। तो इसको कम ज़्यादा करना है अपने हिसाब से कि जो जे अपन का जो बॉडी है वो पूरी वाइट हो जाए और जो चारों तरफ का बैकग्राउंड वो पूरा ब्लैक हो जाए, जब तक करना है पूरा बिल्कुल एडजस्ट करके। देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे 37 पे जे परफेक्ट हो गया है एंड सो मास्क पर क्लिक करना है। जैसे आप सो मास्क पर क्लिक करोगे तो देखना आपका बैकग्राउंड कुछ हट जाएगा, हद तक 80% काम आपका वहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 80% जो आपका बैकग्राउंड है वो हट चुका है। अब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रह जाता है, वो भी करना है। चलिए वो भी बता देते हैं। अब आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से कुछ ब्राइटनेस को कम, कंट्रास्ट को ज़्यादा, टेम्परेचर, सैचुरेशन, इन सबको इंक्रीज इन डिक्रीज अपने हिसाब से करना है, जिससे कि आपको जहाँ पर ठीक लगे कि हाँ जो ठीक है आपके कलर के हिसाब से, है ना, लाइटिंग जो यदि आपकी कम हुई हो तो उसके हिसाब से। एंड इससे जो हुआ कि आपके जो थोड़े बहुत भी चांस थे ना 20% भी रह गया होगा आपका जो बैकग्राउंड है थी, थोड़ा बहुत ग्रीन रेंस आ रही होंगी तो वो भी हट जाएंगी शेडो वगैरह। एंड एक सा हो जाए जब जे सब कुछ कर लेना है अपने हिसाब से, ग्रामा लेनर एंड इसके बाद अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है गाइस, इससे ये होगा कि जो भी आपने स्टॉक की इमेज वीडियोस ली हैं सबका बैकग्राउंड एंड आपका बैकग्राउंड सब कुछ मैच हो जाएगा, कलर ग्रेडिंग हो जाएगी पूरी। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो बैकग्राउंड रखना है वो आप बैकग्राउंड यहाँ पर रख सकते हैं, हटा सकते हैं, जो आपको करना होगा। देखो कुछ इस प्रकार से मेरा बैकग्राउंड हट चुका है। अब इस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं बढ़िया एंड इसको अपनी वीडियो को मज़ेदार बना सकते हैं। पूरा आपका सेटअप बन गया है, देखिए कितनी स्मूथली वर्क कर रहा है। एक बात और गाइस, यदि आप सोचो कि मतलब ग्रीन स्किन नहीं है ऐसे ही हटा दो तो उससे काम नहीं चलेगा। ग्रीन स्किन इसलिए यूज में है कि आपका जो घर का बैकग्राउंड होता है यदि वो एक ही कलर का है तो ईजी हो जाएगा उसमें से बैकग्राउंड इरेज करना, बट यदि अलग अलग है तो उसके लिए ग्रीन कपड़ा ही बढ़िया रहे। यदि आपको यह गाइस एडिटिंग सीखनी है मेरी तरह पे तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए फुल वीडियो जरूर बना दूंगा एडिटिंग के लिए, ठीक है, कमेंट जरूर। सो हेलो सी गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही इसमें ट्यूटोरियल एंड इसमें इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेट ऑफ से, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।